Hello, 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 mic check. Hello, 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 hello. Hello, 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 mic check. हेलो गाइस, वेलकम टू माई ब्लॉग। आई होप सो आप लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी गई हो। सो आज मैं एक्चुअली गया था बुरा बाज़ार, क्योंकि मेरा प्रीवियस ब्लॉग मैंने चेक किया तो उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब आ रहा था। एक्चुअली वॉइस का नॉइज़ जो है कुछ ज़्यादा आ रहा था, और जो मैं बोल रहा था वो ठीक से नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक माइक ले लेता हूं ताकि मेरा वॉइस क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे। सो इसलिए मैं बुरा बाज़ार गया, वहाँ से मैंने एक माइक और एक गोरिल्ला पॉड परचेस किया ताकि ब्लॉग करने के लिए मेरे को और आसानी हो जाए। सो अराउंड 600 में मेरे को दोनों मिल गया, क्योंकि एक शॉप है जो मैं रेगुलर मतलब विज़िट करते रहता हूँ। वहाँ पे मुझे कैमरे के लिए जो भी चाहिए होता है तो मैं वहाँ से लेते रहता हूँ। सो मैं और मेरे फ्रेंड आज गए थे, और एक्चुअली सोचा था शूट करूँगा पूरा वो ब्लॉग, बट मैं नहीं बता पाया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। चर्च गेट में बारिश बहुत हो रही थी, सो चर्च गेट से उतर के CST जाना पड़ता है, बट वो रूट में इतनी बारिश हो रही थी। और मैंने फ़ोन किया था मेरे भाई को, तो उसने बताया कि यहाँ पे मलाड में बारिश नहीं हो रही। सो मतलब थोड़ा हो रहा है, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि पहली ऐसी मैंने जब शूट किया था, वो जो मैंने बताया था मेरा जेट पानी में चले गया था, तो वही कारण से इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है। सो इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला ही नहीं बाजू में। फिर भी मैंने एक दो मतलब कुछ क्लिप्स लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इस ब्लॉग में, तो देख लेना। और हाँ, अगर कुछ भी स्टफ चाहिए होगा तो बोरा बाज़ार में मिल जाते हैं, ब्लॉगिंग के लिए या DSLR के लिए फेमस ही है वो, सबको पता है। मुंबई जितने भी मुंबई कर उनको पता है कि बोरा बाज़ार मतलब DSLR का मार्केट है। सो उधर पे जाके आप लोगों को सब माइक या फिर जो भी कैमरा और उसका जो लेंसेज होते हैं वो भी चाहिए होंगे, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। और हाँ, बारिश होने के कारण मैंने ब्लॉग तो नहीं किया, बट कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने खींचे, लाइक फ़ोटोग्राफी की है मैंने थोड़ा बहुत। सो मेरा इंस्टाग्राम ID है Lovya94 Photography, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। सो उसको उसमें जाके देखना आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे मतलब, और एक मेरा फ्रेंड है ऋषिकेश तलदेवकर, ऋषिकेश 360 तलदेवकर करके है, सो उसकी भी फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, आप जाके एक बार चेकआउट करना। सो इंस्टाग्राम लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक्चुअली क्लाइमेट वहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब बहुत बारिश हो रही थी, तो और वहाँ पे मेरा काम सिर्फ हाफ एन आवर का था। सो बारिश के वजह से मुझे वहाँ पे 2 hours वेट करना पड़ा। सो उसके लिए मैं खड़े करता गया, तो इसके लिए मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। सोचा वीडियो ना से तो फोटोग्राफी कर लेता थोड़ी बहुत। एंड अभी एक्चुअली हो रहा है 9 o'clock, सो अभी मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है। सो जिम जाके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं तो जिम बंद हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊँगा, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। सो आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, स्टे ट्यून। बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी भी बारिश इतना ही गिर रही है। तो मेरे को मुझे लगता नहीं है कि मुझे कैमरा बाहर रखना चाहिए, तो कैमरे को मैं डालता हूँ अंदर, आप लोगों से मैं मिलता हूँ बाद में। Find the one you should never give her up. I
think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. सो आई एम बैक होम. सो जिम जाके मैं आ गया हूँ. सो बाहर का क्लाइमेट काफ़ी कूल हो चुका है और काफ़ी ठंडा है. बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था. सो और जिम करने में भी, क्योंकि जब क्लाइमेट ठंडा होने लगता है तो जिम करने का मज़ा ही कुछ और होता है. फिटनेस तो रहना ही चाहिए और ये काफ़ी टाइम से करो. 7 ईयर्स से मैं जिम कर रहा हूँ एक्चुअली. सो ये बातें हम बाद में करते हैं. हाँ, यहाँ पे था. सो बोरा बाजार गया था मैं. वहाँ से मैंने माइक परचेस किया और गोरिल्ला बोर्ड परचेस किया. आफ्टर ऑल विंटर सीजन आ गई है. सो आई थिंक सो ये बार ठंडी काफ़ी तगड़ा होने वाली है. देखते हैं क्या होता है. गर्मी भी उतनी हो रही है दोपहर के टाइम, बट होप्स हो कि ठंडी काफ़ी अच्छी गिरे. और हाँ गाइस, जो मैंने हिमालयन जो मैंने बोला था ब्लॉग आने वाला है, वो मैं ब्लॉग संडे को करूँगा, क्योंकि अभी ठीक से टाइम मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा है. जॉब के बाद फिर ब्लॉग. सो उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर शूट करना पड़ेगा वो मुझे, और आप लोगों को बताऊंगा. क्योंकि बात ही कुछ हो रही है बाइक ही, वो ऐसी हिमालयन. सो इसीलिए मैं उसका एकदम अच्छे से शूट करूंगा. राइड पे भी जाऊंगा, एक शॉर्ट राइड पे. सो आप लोगों को वो भी बताऊंगा. और उसकी प्लानिंग अभी मुझे चालू है. सो ये संडे या नेक्स्ट संडे में वो उसका ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा, और एल्स हो सकता है मंडे को भी मैं अपलोड कर दूँ, ये मंडे को. सो स्टे ट्यून रहना तब तक के लिए. और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट हिमालयन ब्लॉग में, जो जल्दी ही आने वाला है. जल्दी ही आएगा वो ब्लॉग, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा शूट करके. और हाँ, स्टे ट्यून टू जीत जुगाड़ ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस. प्यार करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाऊँ. और गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. No.